आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आपको हैरानी भी होगी। सिर्फ पानी पीने के लिए एक स्कूल के पास सैकड़ों बच्चे कई फीट गहरे कुएं में उतरते हैं, ना उन्हें कोई रोकता है, ना ही किसी को उनकी जान की परवाह। तस्वीरें देखकर आपको तरस भी आएगी और शायद गुस्सा भी। अब सभी बच्चे इसी कुआं में उतरते हैं। बड़ी बड़ी बातें और लंबे चौड़े वायदे करने वाले हुक्मरानों को ये तस्वीर गौर से देखनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे सिर्फ दो घूंट पानी के लिए यहाँ रोजाना जान की बाजी लगाते हैं। जिंदगी के लिए मौत की आंखों में आंखें डालकर जिंदगी छीन लेना इन मासूमों का रोज का काम है। जरा सोचिए, ये बच्चे सिर्फ पानी भरने के लिए 17 फीट गहरे कुएं में उतरते हैं, वो भी रोजाना। एक बच्चा कुएं में उतरता है और ऊपर बैठे बच्चे पानी भरने के बाद उसे खींचते हैं। ये तस्वीरें कहाँ की है ये जानने समझने से पहले जरा खुद इन बच्चों से वो सब कुछ सुनिए जो इनकी जिंदगी की सबसे कड़वी हकीकत है। आप सभी बच्चे इसी कुआं में उतरते हैं, इसी में रोजाना पी रहे हैं, और अगर कोई खुदा ना खाए कोई डूब गया फिर नहीं। अच्छा, आप यही पीते इसी में उतर के इसी दुपट्टे के सहारे से? ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना जिले मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर ककवासा गांव की है। आप देख सुन रहे हैं तस्वीरों में, कैमरे के सामने बोलने में इन बच्चों को हंसी आ रही है। इन्हें इसमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा क्योंकि शायद ये काम इनकी रोज की दिनचर्या में शुमार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन तस्वीरों पर किसी अधिकारी या किसी नेता की नजर कभी गई? क्या किसी को ये कभी नहीं लगा कि दो घूंट पानी के चक्कर में इन बच्चों के साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है? ऐसा क्यों है? अब जरा ये भी सुन लीजिए, जिस स्कूल के पास ये बच्चे रोज कुएं में उतरते हैं वहाँ एक हैंडपंप भी लगा है, लेकिन पिछले कई महीनों से ये खराब है। जाहिर है अगर इन बच्चों को प्यास लगे या तो वो प्यासे रह जाए या फिर कुएं में उतरे। क्लास में पढ़ते साथ में, आप पानी पीने के लिए कहाँ जाती हैं? अच्छा, आप भी कुएं पे जाती हैं रोजाना? अच्छा, प्यास लगती है तब जाते हैं, जैसे मान लो लंच के टाइम जाते हैं या कभी भी बीच में चले जाते हैं? सवाल सिर्फ इतना नहीं है, आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि जिस कुएं में ये बच्चे उतरते हैं उसमें गंदगी भी इतनी है कि उसका सारा पानी पीकर अब कौन कब बीमार पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। करीब 1500 लोगों की आबादी वाले इस ककवासा गांव में वैसे तो 5 हैंडपंप हैं, लेकिन सबके सब खराब। और ये हाल सिर्फ इस गांव का नहीं है, पूरे सूबे का हाल ऐसा ही है। इंटरनेट पर मिलने वाले आंकड़े कुछ कहते हैं कि प्रदेश की एक तिहाई आबादी को रोज पानी नहीं मिल पा रहा। खुद प्रशासन का मानना है कि प्रदेश के 360 नगर निकाय में से 189 में रोजाना पानी की सप्लाई हो नहीं पाती और सरकार बेपरवाह है। शेखर उप्पल, गुना, इंडिया न्यूज। जरा सोचिए जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाए जब दो घूंट पानी के लिए भी जान की बाजी लगानी पड़े। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।